नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक क्यू आई टेक्निकल बिहार पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WhatsApp मैसेज टाइमर अप टू डेट के बारे में। दोस्तों WhatsApp मैसेज टाइमर अप टू डेट क्या है और कैसे यूज करें सब कुछ बताऊंगा। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैसेज WhatsApp को ओपन करना होगा। सॉरी दोस्तों, WhatsApp को ओपन कीजिएगा, कुछ इस टाइप से होम पेज पे आइएगा। होम पेज के आने के बाद दोस्तों, अगर आप लोग अप टू डेट नहीं किए होइएगा तो प्ले स्टोर से जाके अप टू डेट कर लीजिए पहले। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों सेटिंग्स में जाइएगा आप लोग। सेटिंग्स में जाना है आपको। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको अकाउंट का। अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। प्राइवेसी में जाइएगा आप लोग दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर। ये दोस्तों व्हाट्सअप का न्यू अप टू डेट है दोस्तों। इसका इस्तेमाल मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका फ़ायदा और घाटा सब कुछ बताऊँगा दोस्तों। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आप इसको अगर ऑन कर देते हो, आपका ऑफ होगा तो दोस्तों यहाँ पे 24 घंटा अगर सिलेक्ट कर देते हो तो दोस्तों आप अगर किसी को भी मैसेज भेजोगे ना 24 घंटा बाद ऑटोमेटिक मैसेज आपका डिलीट हो जाएगा उसके फ़ोन से दोस्तों। यही इसका फ़ायदा है। अगर दोस्तों आप में ये ऑफ रहता है तो दोस्तों मैसेज कभी भी डिलीट नहीं होगा आपका। इससे आपका स्टोरेज जो है भर जाता है दोस्तों। या आप लोग इसको 24 घंटा सिलेक्ट कीजिए या 7 दिन। अगर आप लोग 7 दिन सिलेक्ट कीजिएगा तो 1 सप्ताह बाद आपका चाहे किसी के पास मैसेज भेजो ये अपने आप डिलीट हो जाएगा दोस्तों। ये काफ़ी यूनिक अप टू डेट है जो WhatsApp में नया लॉन्च हुआ है दोस्तों। तो आप लोग जाइए फटाफट WhatsApp का अप टू डेट कीजिए और दोस्तों इस अप टू डेट का फ़ायदा उठाइए दोस्तों, इस फीचर का फ़ायदा उठाइए। यही था आज के वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।